पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही सिर फुटवल हो गई। ये सारे दल आपस में लड़ने लगे, कहां मोदी से लड़ने के लिए इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन ये क्या, यहां तो सब खुद ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे की ही टांग खींच रहे हैं और कैसे कांग्रेस को लपेटने में लगे हुए हैं, ये भी एक कहानी सामने आ गई है। अब ये सारी कहानी आप समझ पाएं, पहले इस पूरे प्रोसेस को समझिए कि कैसे शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा है और क्या स्थिति पैदा हुई है। आप याद कीजिए दोस्तों, ये पूरी कहानी लोकतंत्र से शुरू हुई थी। मोदी को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने लोकतंत्र खत्म होने का नैरेटिव बुनना शुरू किया था। एक झलक पहले आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचानी है या नहीं? देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून में सींचा है। हमको लेसन देगा लोकतंत्र को और हम सुनेंगे। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। लोकतंत्र की हत्या देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। देख रहे हैं ना, लोकतंत्र खत्म हो गया। अब जब इन लोगों को लगने लगा कि इनका जो लोकतंत्र की हत्या वाला नैरेटिव है वो फैल गया है, वो लोगों तक पहुंचा दिया गया है, तब ये सारे लोग इस बात पर लड़ने लगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सब अपने अपने दावे ठोकने लगे। तो इसी प्रकार की एक झलक मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी का इलेक्शन होगा 2024 का। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल। 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सिद्ध कर दिया है। अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है। देख रहे ना, सबके अपने अपने प्रधानमंत्री भी तैयार हो गए। यानी सबको ये समझ में आ गया है कि अब प्रधानमंत्री के नाम पर बिल्कुल भिड़ंत हो जाएगी। पता नहीं बैठक में क्या होगा दोस्तों, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इन लोगों की लड़ाई खुलेआम सबके सामने आ गई। लेकिन इस बीच एक और काम हुआ, लोगों के बीच ये मैसेज साफ चला गया कि ये जो बैठक हो रही है ना पटना में, दो तरह के लोगों की है। एक तो परिवारवादी लोग हैं जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए आए हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार की गिरफ्त में हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिनकी पार्टी के लोग या तो जेल जा चुके हैं या फिर जेल जाने वाले हैं। अब जाहिर है दोस्तों, जब सारे विपक्षी दल एक साथ बैठ रहे हैं तो फिर ये खुलकर अपने स्वार्थ पर आ गए, क्योंकि इनको लगने लगा कि अपना काम तो करवा लो, मोदी जी जब हटेंगे तब हटेंगे। और फिर मोर्चा संभाला सबसे पहले जानते हैं किसने, अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल जी पटना क्यों जा रहे हैं, मैं सबके बारे में आपको पूछूंगा और बताऊंगा, लेकिन पहले केजरीवाल जी से ही पूछ लेते हैं। केजरीवाल जी, आप पटना क्यों जा रहे हैं, जरा बताइए ना। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश। अच्छा, तो कांग्रेस से उनका स्टैंड चाहिए, और भी कुछ चाहिए क्या कांग्रेस से, आप नहीं बताएंगे। सौरभ भारद्वाज से पूछ लें, चलिए सौरभ जी से ही पूछ लेते हैं, आप ही बताइए कि केजरीवाल जी और कांग्रेस से क्या चाहते हैं, बता दीजिए। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे, आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। बाप रे, बहुत ही लोभ लालच भरा है इनके दिमाग में, बहुत कुछ चाहिए इनको, सिर्फ चाहिए, देते कुछ नहीं है, बताते हैं केवल। वैसे अखिलेश यादव जी, आपके मन में भी कुछ हो और कांग्रेस के लिए, तो वो भी बता दीजिए। विपक्ष के लोग हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बड़े दिल से समाजवादी पार्टी का साथ दें। अच्छा, तो ये कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से भगाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं तेजस्वी यादव से भी पूछ लेता हूँ, पटना में ही हो रहा है। तेजस्वी जी, आपको भी कांग्रेस से कुछ चाहिए तो बता दीजिए। रीजन्स पार्टी को जो है ड्राइविंग सीट पे बैठने देना चाहिए, और जहां कांग्रेस और भाजपा की डायरेक्ट फाइट है वहां कांग्रेस को जो है तैयारी करनी चाहिए। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि ममता बनर्जी के बिना ये पूरा खेल तो वैसे भी पूरा नहीं होगा। वो कांग्रेस से क्या चाहती है या बाकी दलों से क्या चाहती है,
ये भी तो जानना पड़ेगा ना, तो सुन लीजिए उनका बयान। अनेक राज्य चालिए चो सीपीएम सबसे बड़ दोसर और बीजेपी बड़ दोसर और पार्लामेंटे सहाज्य चाओ हम करबाओ बीजेपी बिुद्धे क्योंकि मन रेखो बांगल् सीपीएम घर करंगल् सहाज्य चाहते आसबेना। मतलब ये बांगला में है लेकिन आपने हिंदी तो पढ़ लिया होगा कि कांग्रेस लेफ्ट को छोड़ दे तभी हम साथ देंगे केंद्र में। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस लेफ्ट को छोड़े और पतली गली से सरक जाए तभी वो साथ देंगी। लेकिन ये क्या, कांग्रेस ने भी सबक सिखाने का फैसला कर लिया है और खुलेआम डिबेट में कांग्रेस और टीएमसी के नेता आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए ना, अबे हिंदू विरोधी पार्टी, तुम हिंदुओं को मारना चाहते हो, बंगाल में हिंदुओं को तमाम कत्लेआम कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? अब जरा ये सोचिए दोस्तों कि ये जो पटना में बैठक होने वाली है उससे पहले की जो भूमिका तैयार हो गई है ये मोदी विरोधी बैठक है या परिवारवादियों की बैठक, स्वार्थ की बैठक है, अपने अपने हिस्से का जो माल है वो बटोरने की बैठक है? मतलब सिर्फ और सिर्फ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये बैठक है, इसको भी मान सकते हैं क्योंकि वो भी आपको दिखेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इस दिलचस्प कहानी को डिकोड कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज के वीडियो में पटना में होने वाली जो 23 जून की बैठक है उसको लेकर विपक्षी दल क्या जाल बुन रहे हैं इस पर चर्चा करूँगा और सबके एंगल दिखाने का प्रयास करूँगा। वैसे तो आपको इन बयानों से जो मैंने अब तक दिखाया है उससे काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी आपको दिखती है। ये लगता तो है कि मोदी विरोध में ये इकट्ठा हो गए हैं लेकिन इसमें बड़े पेंच हैं। और ये जो बैठक होने वाली है दोस्तों इसमें अरविंद केजरीवाल का बयान सबसे महत्वपूर्ण है। पहले उसी से शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि कांग्रेस को केंद्र के अध्यादेश पर 23 जून की बैठक से पहले अपना स्टैंड साफ करना होगा। और ये तो मैं बयान आपको सुना चुका हूँ, ये रिपोर्ट भी देख लीजिए, क्योंकि केजरीवाल तो एकदम वो तय करके बैठे हैं और पता ही है उनकी राजनीति किस प्रकार की होती है, वो पूरी तरह से स्व केंद्रित होती है, स्वार्थ पर आधारित होती है। और केजरीवाल ने दोस्तों सिर्फ अल्टीमेटम दे दिया हो कांग्रेस को, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे पहले आप याद रखिए राजस्थान के श्री गंगानगर में कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोला, एकदम जैसे कहते ना बखिया उधेड़ देना, वो काम किया, हर योजना को लेकर आलोचना की। अब जब इतना काम करेगी आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस भला कैसे चुप रहेगी, उसके तो हौसले वैसे भी एकदम आसमान पर हैं। तो जैसे ही राजस्थान में अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उनकी यात्रा के दौरान कांग्रेस के लोगों ने काले झंडे दिखाकर केजरीवाल का विरोध किया। और याद रखिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ यह जंग उस प्रस्ताव के बाद शुरू किया है जिसमें केजरीवाल ने कांग्रेस में खास करके दो नेताओं से, खड़गे जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं और राहुल गांधी, इनसे समय मांगा कि आपसे मुझे मिलना है, इस अध्यादेश पर बात करनी है, समर्थन मांगना है। लेकिन हुआ क्या, अभी तक समय नहीं मिला राहुल गांधी का। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश और पंजाब के नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो अध्यादेश का समर्थन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि केजरीवाल दोषी हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी के दबाव में राहुल गांधी और खड़गे ने उनको समय नहीं दिया। यानी एक तरफ जहां केजरीवाल कांग्रेस के रवैये से खफा चल रहे हैं तो दूसरी तरफ आप तमिलनाडु आइए, यहां मुख्यमंत्री स्टालिन के भी कांग्रेस से नाराज होने की खबरें शुरू हो गई हैं। और क्यों हुए, किस लिए हुए, इसके बारे में आपको एक झलक दी थी कि इनके जो मंत्री गिरफ्तार हुए तो इनको लगा बहुत सपोर्ट मिलेगा, ऐसा कुछ मिला नहीं तो वो नाराज हो गए। और उन्हीं को मनाने के लिए नीतीश कुमार चेन्नई जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, आखिरी वक्त पर नीतीश कुमार ने गच्चा दे दिया। शायद उनको भी जो हकीकत है ना वो समझ में आ रही होगी,
कि चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी लग रही थी, और उन्होंने मीडिया को सूचना दी कि खराब तबीयत होने के कारण वो चेन्नई नहीं जा रहे। उनके स्थान पर तेजस्वी यादव और जेडीयू के नेता चेन्नई जाएंगे। और नीतीश कुमार ने जब अपनी यात्रा रद्द कर दी दोस्तों, तो स्टालिन को भी तो अपना चेहरा बचाना था। उन्होंने तुरंत बयान जारी किया कि वो पटना ज़रूर जाएंगे। अब स्टालिन आखिरी समय में कांग्रेस से क्यों नाराज़ है? मतलब जो मेन खबर है वो जाकर करेंगे क्यों? उन्हें मनाने के लिए नीतीश कुमार चेन्नई क्यों नहीं गए? इसका पता तो आने वाले समय में बिल्कुल ठोस तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो क्लियर हैं, सबका अपना स्वार्थ हावी हो रहा है। अब आपको मैं बंगाल ले चलता हूँ। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हो रहे जो पंचायत चुनाव है, वहाँ पर जो कांग्रेस और लेफ्ट दलों का गठबंधन है, उस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अब ममता बनर्जी की एक बड़ी मुश्किल तो जिस तरीके से हिंसा हो रही है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो भी बहुत खतरनाक है, और जिस तरीके से लगातार अदालत इस मामले को लेकर एकदम सख्त रुख अपनाए हुए, हिंसा और तमाम चीज़ों को लेकर, वो तो परेशानी है ही। लेकिन आज मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात आपको बता रहा हूँ कि वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट ने जिस प्रकार से गठबंधन किया है उससे ममता बेचैन हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है, कांग्रेस के लिए साफ कर दिया है कि अगर वो लेफ्ट के साथ बंगाल में उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी तो लोकसभा में ममता कांग्रेस का साथ नहीं देगी। ये खुलकर कह दिया है, और ये सब मीटिंग से पहले हो रहा है, ये भी देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी को दो टूक जवाब देते हुए कह दिया है कि वो बंगाल में लेफ्ट के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी, गठबंधन नहीं तोड़ेगी। एकदम फेविकोल का मजबूत जोड़ है। और ये जो जोड़ है ना दोस्तों, आपको पता है ना कि केरल में ये लड़ते हैं, बंगाल में इनका मजबूत जोड़ हो गया है, त्रिपुरा में भी हो गया था। तो ये तो स्थिति है दोस्तों, ये राजनीति की सच्चाई है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और कांग्रेस ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अब मैं आपको बिहार लेकर आता हूँ, सिर्फ ममता को ही चुनौती देना स्वीकार किया हो ऐसा नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार को भी सबक सिखाने का फैसला किया। क्यों? नीतीश कुमार ने जो पटना में महागठबंधन की बैठक रखी थी वो कब रखी थी? 12 जून को रखी थी, और बिना कोई मशविरा किए। इससे कांग्रेस भड़क गई और इन्होंने समय ना होने का, कहीं व्यस्त होने का बहाना बनाकर ये कह दिया कि हम तो नहीं आएंगे जी, ना खड़गे आएंगे ना राहुल गांधी आएंगे। फिर इसके बाद नीतीश कुमार को मजबूर किया, दबाव बनाया कि बिना हमसे पूछे आप तारीख मत रखिए, और तब जाकर ये तारीख जो 23 जून तय हुई है वो कांग्रेस के कहने पर हुई है। यानी कांग्रेस हर हाल में जो विपक्ष है उसके केंद्र में खुद को रखना चाहती है, और इसीलिए 23 जून की बैठक से पहले जब राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे तो बिहार कांग्रेस राहुल गांधी का भव्य स्वागत करेगा, और इसकी रणनीति बना चुके हैं, और ये महागठबंधन से बिल्कुल अलग होगा। अब आपको मैं उत्तर प्रदेश लेके आता हूँ। यही काम कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ भी कर रही है। अभी तो मैंने आपको दिखाया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको बड़ा भाई बनना है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अखिलेश यादव पर आरएलडी की तरफ से दबाव बनवा रही है कि कांग्रेस को भी साथ लें, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि साथ तो हो सकता है लेकिन कांग्रेस को हमारा नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। ये कहानी आ रही है। अब तेलंगाना आपको लेकर चलता हूँ। विपक्ष के इस खेल में कांग्रेस के धुर विरोधी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पहले से ही दूरी बना ली है, अब वो कहीं नज़र भी नहीं आते, कहीं चर्चा भी नहीं होती है, और विपक्ष की एकजुटता तो हो रही है, पटना में ये एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। लेकिन अब ये जो सवाल मैंने आपको शुरू में दिखाया कि प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, ये सारे सवाल गौण हो गए हैं, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है ना वो हावी हो गई है। अब आपके मन में दोस्तों ये सवाल उठता होगा कि आखिर होगा क्या इस बैठक में,
सिर फुटबॉल की स्थिति तो बन गई, ये तो साफ हो गया, लेकिन इससे निकलेगा क्या, इससे क्या निकलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले नीतीश कुमार और केसीआर मिले थे, क्या हुआ था याद है आपको, उठिए बैठिए में ही लगे रहे, पता ही नहीं चल पाया कि करना क्या है। एक झलक आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। मैंने बता दिया, इसके चक्कर में मत रहिए, देख रहे ना, ये दोनों मिलकर साथ ना तो बैठ पाए और ना ही उठ पाए, मतलब सिर्फ यही होता रहा कि बैठिए उठिए बैठिए उठिए, लेकिन एक साथ दोनों एक काम नहीं कर पाए। और याद रखिए पटना की रैली में भी यही होगा, इन सब का दिल नहीं मिलेगा, ये जोर जोर से अपने स्वार्थ को सामने रख देंगे, ये जोर जोर से मोदी को गाली देंगे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब ये गठबंधन, जब कोई भी गठबंधन स्वार्थ पर आधारित होता है, महत्वाकांक्षा पर आधारित होता है, जिसमें देश हित निहित नहीं होती है, तो फिर उस कार्य की सिद्धि भी नहीं हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।